जब दो प्रेमी एक होने की सोचते हैं तो समाज, परिवार, देश विदेश सबकी सीमाएं टूट जाती है और बच्चों की खुशी के लिए अभिभावक भी बच्चों के फैसले में शामिल हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला बिहार की राजधानी पटना से, जहां एक विदेशी ने भारत और भारत के रहने वाले लड़के से दिल लगा लिया और सात समंदर पार कर सफर तय करते हुए अपने प्रेमिका होने के लिए भारत आ गई। हंगरी की निवासी विवियाना ने न केवल हिंदू धर्म अपनाया बल्कि इतनी दूर से बिहार आकर अपने मोहब्बत से शादी का वादा भी पूरा किया। अब इस शादी के चर्चे हर तरफ हो रहे हैं। किसी ने सच कहा है कि प्रेम किसी तरह की दीवार को नहीं मानता। जब दो प्रेमी दिल एक होने की सोचते हैं तो समाज, परिवार, देश विदेश सबकी सीमाएं टूट जाती है और बच्चों की खुशी के लिए अभिभावक भी अपने फैसले में शामिल हो जाते हैं। दरअसल छपरा जिले के दिघवारा प्रखंड के रामदास चक्र निवासी सुनील कुमार सिंह और सुलोचना देवी के बेटे अमन कुमार हंगरी में होटल मैनेजमेंट और शिप मैनेजमेंट करने के बाद वहां अपना बिजनेस करते थे। अमन की पहचान हंगरी की रहने वाली विवियाना के साथ करीब 4 साल पहले हुई थी। शुरुआत दोस्ती से हुई लेकिन ये दोस्ती फिर प्यार में बदल गई। विवियाना वहाँ के सरकारी स्कूल के म्यूजिक टीचर है। विवियाना जावरस के पिता टिबोर जोनस जावरस है और उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। अमन के अनुसार विवियाना को भारतीय संस्कृति से बेहद प्यार है। वह चाहती थी कि उनकी शादी भारत में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हो। जब अमन से उसकी शादी पक्की हो गई तब वो अपने परिजनों के संग पटना आ गई। अमन बताते हैं कि जब अपने देश में शादी करने की बात तय हुई तब विवियाना का नाम अर्चना सिंह किया गया। यहाँ आने के बाद हिंदू रीति रिवाज में जो भी रस्में होती है उसे पूरा किया गया। इसमें कथा, मटकोर से लेकर हल्दी और मड़वा, मेहंदी, संगीत उत्सव का भी आयोजन किया गया। इस शादी में हर छोटी बड़ी रस्म का ख्याल रखा गया। शादी के लिए विशेष रूप से अमन ने के पैतृक गांव से ब्राह्मण और नाई को भी बुलाया गया था। अमन ने बताया कि उनकी प्रेमिका भारतीय सभ्यता और यहाँ के रीति रिवाजों से विशेष प्रेम करती है और शायद यही वजह थी कि हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब चले आए। अमन ने बताया कि इस शादी को लेकर शुरू में परिवार वालों की सहमति नहीं थी लेकिन अंत में घर वाले भी मान गए और तय हुआ कि शादी जब भी होगी वह बिहार में ही होगी और उन सभी रस्मों को निभाया जाएगा जो शादी में निभाया जाता है।